देखिए बिहार में मानवता हर दिन शर्मसार हो रहा है। बेगूसराय में महिलाओं को नग्न किया जाता है तो अररिया में महिलाओं से सामूहिक बलात्कार किया जाता है। बांका में नाबालिग लड़की से बलात्कार किया जाता है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री क्यों मौन है? आपके बयानवीर राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बोल पाते हैं? सुशासन की सरकार का दुशासन क्यों इस तरह से उत्पात मचा रहा है? सत्ता संरक्षित ये महिलाओं पर अत्याचार, महिलाओं की अस्मिता पर प्रहार, इस पर क्यों मौन है? और जो लोग बयान देते हैं, कैंडल जलाते हैं, बिहार की घटना पर कैंडल क्यों नहीं जलता है? बिहार के साथ इतने बर्बरतापूर्ण ढंग से हमारी माताओं बहनों के साथ जिस तरह से मानवता को कलंकित करता है, क्यों किसी का बयान नहीं आता है? मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम लोगों से जो अपने को मानवता के रक्षक के रूप में उभरते हैं, बिहार के मामले पर क्यों मौन होते हैं, क्यों गौण हो जाते हैं? बिहार को हर दिन शर्मसार किया जा रहा है। प्रशासन रोकता है, दबाता है, उस न्यूज को जो न्यूज लिखता है उसको भयभीत करता है। आज भी अररिया में जो घटना घटित हुआ है दुखित है, ये पूरी मानवता को कहीं न कहीं मर्माहत कर रहा है। मुख्यमंत्री जवाब दें और इनके बयानवीर नेता बताएं कि क्यों इस तरह की घटना घटित हो रही है और अभी तक महागठबंधन बनने के बाद कितनी महिलाओं की इज्जत लूटी गई, कितने लोग आत्महत्या कर लिए, कितनों को बलात्कार से मौत के मुंह में सुला दिए, ये जवाब दें।